हेलो गाइस, तो हमारे फर्स्ट ब्लॉग है, तो हम लोग आए हैं सारासोर। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी पूरी फैमिली आई है। ये है मेरी निशा जी, आप तो जानते ही है इसको। आओ हम आपको दिखाते हैं चिकन। आइए आइए चिकन दिखाते हैं। चिकन दिखाना हो नीचे क्यों कर रही? वाह, ये बन रहा है। साथ घूमते हुए हम लोग सारा सोर मंदिर के आए हैं। घर से आ रहे थे तो और भी लोग पिकनिक बना रहे थे वहाँ पे। वो लोग बना रहे थे गोभी, मतलब वहाँ के गोभी कौन बनाता है वहाँ पे? हाँ गोभी बना रहे थे। अजीब अजीब बात नहीं हुई यार? ये तो वही बात हो गया ना कि टीवी के सामने रह के बुक पढ़ना, मोबाइल चलाना। हाँ हाँ पागल, आज तो बुक पढ़ना है। यह मेरा बीड़ू बॉस, फोटो अच्छा रहा। जैसे कि देख सकते हैं लड़की पगला गई है। ये लड़की पगला गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे भैया लोग नहा रहे हैं और हमें ही नहाने का जोश। हम क्या आनंद, और हम क्या कर रहे हैं देखिए 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 अच्छे से देखिए हम क्या कर रहे हैं। बस क्या कर सकते हैं, दिख रहा है। आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार करते हैं जिस नेचर को देखने के लिए, तो वो घड़ी आ चुकी है। हम आपको वो नेचर दिखाते हैं। दिल थाम के बैठी हो और इस नेचर का आनंद लीजिए। And your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only जानती है निशा साहू, और वो पीछे वाली पता नहीं कौन है। तो गाइस हम लोग आज आए हैं सारासोर। तो आज हम लोग सारासोर हम लोग पहुंच चुके हैं अपने दूसरे लोकेशन पे। तो हमारा दूसरा लोकेशन था एक हीरे की तरह चमकता हुआ पत्थर। तो यहाँ हीरे की तरह चमकता हुआ पत्थर आप देखने देख ही सकते हैं। तो दिखाते हैं। And your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping. जा जा के पूछने वाले को उनको यहाँ कैसा फील हो रहा है एक बार। तो सबसे पहला नंबर है निशा दीदी का। तो निशा दी बताइए आप। अभी मैं फैमिली के साथ हूँ इसलिए एक मीम डायलॉग बोल नहीं सकती। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए दीदी, क्या आपको कैसा लग रहा है आने के बाद? ठीक ठाक, आप बताइए। आप भूख लग रहा है? मुझे तो बहुत लकर धकर कर रहा है, आनी बानी लग रहा है। आप बताओ भाभी। अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। आप बताओ। ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है मतलब मजा नहीं आ रहा है क्या? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, चलो ठीक है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रही हूँ। मेरी मम्मी से पूछ, वो बताएगी मुझको कैसा लग रहा है। मैं तो प्रकृति का आनंद मानन वही हो गई। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है आने के बाद? प्राकृतिक शोभा का वर्णन इतना किया जाता कम लगा। हाँ ये करेक्ट। आप लोग बताइए, आप लोग
हम मछली खोज रहे थी। अरे मछली के तलाश में, लेकिन वो जो मछुआरे लोग मछली, वो जो मछुआरे लोग मछली देना नहीं चाह रहे, लेकिन लोग लेना चाह रहे हैं। वो जो मछुआरे मछली देना नहीं चाहे, लेकिन आप लोग लेना चाह रहे हो। और आगे कुछ बोलेंगे? बताइए अंकल, यहाँ की पॉलिसी के बारे में वो कहानी बताइए जो बाहर रखा जा रहा है। हाँ हाँ, वो कहानी बताइए। चलिए, एक गाइस, तो मैं आपको सबसे खास इंसान से मिलाना चाहती हूँ, जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो चलिए उनके पास चलते हैं। ये है वो खास इंसान, इसको तो आप जानते ही हैं। हाँ, इनको तो आप जानते ही हैं कौन है ये। ये है निशा साहू, अगर आप नहीं जानते तो आप जानते ही हैं, ऐसा तो नहीं जानते हैं। खाना खाने, तो हम खाना में क्या क्या बना है वो हम दिखाएंगे अब आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फी 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 फोटो खिंचाया चल रहा है, और इधर बहुत ही धूप है। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा। मैं तो चली अपने फिसल पट्टी पर। तो दिखाते हैं हमको खाना में क्या बना है। चलो, तो हम लोग अब खाना खा चुके हैं, खाना पीना हो चुका है, हम लोग घर को रवाना हो रहे हैं। देख सकते हैं सब तैयारी में है, घर को रवाना। सब अपने अपने तैयारियों को पकड़ लिया, इसके बाद पकड़ लेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम एक भाभी को दिखाते हैं, पड़ता है भाभी खाते हैं। तो गाइस, हम लोग ऐसे लोग से मिलाने वाले हैं, हमारी दो भाभियाँ, तो हम मिलाते हैं पत्थर मारे। भाभी ठंडा पानी मारिए बर्तन, बताओ मस्त। ओ भाभी आप बताओ, गुस्सा आ रहा है ना? खाए पिए लोग मालूम है। हम जूता वूता पहन के रेडी हैं एकदम, और निकल ही रहे हैं। बस ये देखिए, बस निकल ही रहे हैं। आधे लोग इधर निकल गए हैं लेके, और इधर निकल ही रहे हैं, बस निकल ही रहे हैं। निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। हाँ, तो फाइनली हम अपने गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं, सामान पैक हो रहा है। एक और गाड़ी अभी सामान पैक हो रहा है। I got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about